अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 28 मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम 57। वो कहता है कॉइल है 160 टर्न्स की, रेडियस 1.9 सेंटीमीटर का है। अब रिजल्टेंट हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया गया है, हमसे करंट निकालने को कह रहा है। फिर कहता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ मैक्सिमम वाले का जब इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगी हो। तो हम जानते हैं म्यूज इक्वल टू एन आई ए बी होता है, चूंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आई निकालना, तो आई को साइड पे कर लेंगे, एरिया डाल देंगे। अब हमें व्यू भी पता है, एन भी पता है, पाई आर स्क्वायर लगा दिया तो ये 12.7 एम्पीयर का करंट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा जब साइन 90 होगा। तो आपके पास म्यू भी पता है, अब आपको बी भी पता है, तो ये सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो 8.05 × 10⁻²⁺ न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।